दोस्तों गैस खत्म होने वाला है। चंदन लकड़ी ला रहे लाए हैं, यहाँ चीर रहे हैं। पापा जब तक थे इनके तब तक। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्ते कर लो सब लोग। तो दोस्तों यहाँ पालक काटने आई हूँ खेत में, और यहाँ पर पालक काट रहे हैं। तो हम और अंजलि आए हैं पालक काटने, और आज हमारी अंजलि वीडियो शूट कर रही है। और आप सबको यकीन नहीं होगा अब कैसा दिखा रही है, अब तो अंजलि जानेगी। तो यहाँ पालक काट लेते हैं। अंजलि नज़दीक दिखाओ, कैमरा फोकस करो, कैमरा फोकस करो, यहाँ पालक कट रहा है। तो अंजलि आज सुबह सुबह, आज कोहरा है, बहुत कोहरा। हाँ तो कैमरा के पीछे बोल रही है, आज बहुत कोहरा है। और यहाँ पालक की कटाई हो रही है। पालक अभी अच्छे से बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन आज साग सब्जी खा नहीं, तो आज मैं सोची पालक ही काटने चली आऊँ। कोहरा दिखा दो अंजलि, बोला करो, चारों तरफ कोहरा है, चारों तरफ कोहरा है। हाँ बड़ा से बहुत। हाँ आज देखो किस तरह वीडियो बनेगा। कैमरा मैन अच्छा नहीं है आज, कैमरा मैन ऐसे पकड़ो कैमरा मैन। हाँ अपनो दिखाई दियो तिनकी, कह बोल दियो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, अब हमें ही पर खट रहे हैं। हाँ तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ना तो गुंजन, ना शीतल, ना आज चंदन, तो आज अंजलि ही बनवा रही है। और कोहरा आप सबको दिखाते हैं, देखिए कितना घना कोहरा है। तो थोड़ी दूर पे जाऊंगी, गांव का पता ही नहीं चलेगा कि हमारा गांव है किधर, ऐसा कोहरा छाया हुआ है। तो काट लेते हैं यहाँ पालक, फिर अगले क्लिप में मिलते हैं। सही से अंजलि बना नहीं पा रही है वीडियो, यहाँ पर देखिए अंजलि खड़ी हुई है ना अंजलि? सरसों है इसमें। हाँ इसमें सरसों है। तो दोस्तों यहाँ पर पालक काट ली हूँ, चलती हूँ यहाँ से, और मुँह ढकी हूँ, हवा नहीं, ठंड बहुत है। तो चल रहे हैं घर पे पालक लेकर। यहाँ एक भगोना ताज़ा पालक काटी, एक पाव के करीब। तो मैं पालक काटने गई थी, यहाँ चांदनी चावल रख रही है, यहाँ चंदन गुंजन मिलके चाय बना रहे हैं। अंजलि पालक काट लाई है? तो अंजलि आगे वीडियो शूट की है, जोगी हूँ दोस्तों, बताना कैसा वीडियो लगा आप सबको अंजलि का शूट किया हुआ। आज अंजलि कैमरा मैन बन गई थी। मासी नमस्ते, तो यहाँ पर चाय बना रहे हैं, तुलसी और जरकस का। चंदन यहाँ पर चाय बना रहे हैं, गुंजन वहीं बैठी है, गुंजन वहाँ पे बैठी है। चलती हूँ पालक साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पालक को साफ कर रहे हैं, यहाँ पर सब चाय नाश्ता कर रहे हैं। और अंजलि ठंडी कितना है अंजलि बता दो? बहुत ठंडी है। तो चंदन के पापा जहाँ पे गए हैं वहाँ पर चंदन बहुत मीठा चाय बना दिया, वहाँ पर धूप निकलता है, कह रहे थे कि यहाँ पर ठंडी बहुत कम है, आज बता रहे थे सुबह ही फोन करके। तो अच्छी बात है, वो अच्छे जगह पे है, हो गए हैं, और हम सब तो ठंडी से जूझ रहे हैं। अंजलि हमको बोल रही है मम्मी तुम टिकट कटा लो, मेरा टिकट करा दो और पापा के पास चले। और गुंजन और चंदन और शीतल यहीं पे रहेंगी, खाना सब बनाएंगी, अच्छा रहेगा अंजलि ना? तो आज हम सब टिकट कटा लेंगे, चले जाएंगे। तो दोस्तों पालक का साग यहाँ पर काट रही हूँ, और देखिए पल्ली लगा दिए हैं हम सब जहाँ लेटते हैं, सब पूरा परिवार इकट्ठा। और अब हवा नहीं जाता, नहीं बहुत ठंड लगता था, तो पल्ली लग गया। पल्ली देखिए कुछ इस तरह लगा हुआ है। तो यहाँ पालक का साग
काट लेती हूँ इसी तरह। तो यहाँ पर हम चावल को चला रहे हैं, तो सब अपने अपने काम में लगे हैं, जितने लोग हैं परिवार में सब। यहाँ पर अंजलि अलाव ताप रही है, बकरी है दाना खा रही है। तो दोस्तों मसाला वाला आज बनेगा ये पालक आलू। यहाँ जा रहे हैं तड़के में, तड़का हमारा पक गया है, साग से धुल ली हूँ साग को। पालक को डाल देते हैं और यहीं पे मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ आलू पालक को तड़क दी हूँ, मसाला भी साथ में डाल दी। तो यहीं पे ढक्कन लगा के ढक देते हैं साग को, पका लेते हैं अच्छे से। तो छोटे वाले गैस पे रखे हैं ताकि धीमे आंच में पके। चावल हमारा पक गया है, रोटी बनाना बाकी है। तो दोस्तों खाना बन गया हमारा, सब्जी तड़की थी सब्जी भी बन गया, यहाँ पर लाकर रख ली और यहीं अलाव के पास खाएंगे। ठंड बहुत है और गांव में तो इसी तरह सबके घर पे इसी तरह अलाव के ही पास बैठ बैठ कर सब लोग खाते हैं। आज हम कुछ बनाए हैं, आप बता खाई चॉकलेट। हाँ वो पहले खाना नहीं खाएगी, दिखाएगी कितना बनाई हो, कौन सा चीज मिक्स करके चॉकलेट बनाई है। हाँ। पानी। कलर कुछ मिला दी है, बोल रही है चॉकलेट बन गया। देखिए देसी वाला कलर बनाए हैं कलर। तो हम सब खाना खा लेते हैं। खा लीजिए। तो यहाँ आलू पालक का साग सब्जी भी कह सकते हैं बना है, दाल है, रोटी है, चावल है, खा रहे हैं हम। तो दोस्तों यहाँ खाना खा चुके हैं, बकरियों के लिए गोभी का पत्ता काट रहे हैं। इस समय चारा बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना, लेकिन भूसा आटा यही खिलाते हैं। तो गोभी का पत्ता साग की तरह जिस तरह भाजी काटा जाता है उसी तरह काट रहे हैं। तो यहाँ पर काट ली हूँ चारा, बकरियों को दे देते हैं। चंदन यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुत अधिक है तो यहीं पे देंगे खाने के लिए, खाएंगे। अभी यहाँ का साफ सफाई भी करना है, पूरा साफ सफाई कर देंगे। यहाँ लकड़ी बोरे में भर रहे हैं पूरा, यहाँ का सब लकड़ी ला ला कर रख कर पूरा कर रहे हैं बोरे में, यहीं पे ला कर रख दिए हैं तापने के लिए। तो लकड़ी जरूरी है, ठंडी बहुत है, आगे भी आप सबको दिखाई। यहाँ हमारे अयोध्या यूपी के पास का देखिए, आगे का आप सबको शूट करके दिखाई। कुछ इस तरह हाल है ठंडी का। तो लगभग पूरा लकड़ी भर चुके हैं, तो वहाँ चांदनी पैरा निकाल रही है, तो हम और चांदनी सब मिलकर चलते हैं साफ करते हैं। दोस्तों गैस खत्म होने वाला है, चंदन लकड़ी लाए हैं यहाँ चीर रहे हैं। पापा जब तक थे इनके तब तक इनको याद नहीं आया, और आज मेहनत से लगे हुए हैं। तो दोस्तों मम्मी को नहीं दिखा पाई, सुबह ही उठकर वो चले गए नाना लेकर उनको दवा के लिए। शाम तक आएंगे और हो सकता है कल आएंगे, अभी बहन के घर वहीं पे रुक जाएंगे आज शाम को। तो कुछ इस तरह आज वीडियो में उनको दिखाई ही नहीं, इसीलिए कई भाई बहन हमारे पूछते मम्मी दिख नहीं रही हैं, तैयार भी नहीं हुई, वैसे वीडियो बना दी क्या करें। थोड़ा परिस्थिति कुछ इसी तरह बना है ना, मन में दुखी तो मन दुखी रहता है, कितना भी कोशिश करूं। आप सब देख ही रहे हैं, बताने की क्या ज़रूरत है, क्या बताऊं। तो यही हाल है दोस्तों, और बैठी हूं, टाइटल डाल दी हूं दोस्तों, वीडियो बना रही थी अंजलि ना तो बोली थी, तो इसीलिए। तो अब वीडियो एडिट करके भेज देंगे, आप सब पूरा देखना प्लीज़।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। कल वाले कमेंट में सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए, सबको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।